मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरार। शासन में आए हुए कर्णानियों के कुछ सिद्धांतों को जितनी गहराई से लगन से हमें समझना चाहिए उतनी गहराई से हम न समझ कर अत्यंत ऊपरी रूप से समझते हैं और समझाने वालों से भी हम यही अपेक्षा करते हैं। इसीलिए जितना लाभ हमको जैन शासन के मार्मिक सिद्धांतों का हमारे जीवन में होना चाहिए था उतने लाभ से हम वंचित रहते हैं। एक विकल्प आया कि हम लोगों की तो ऐसी कोई बाध्यता है नहीं, क्यों ना हम गहराई में डुबकियां लगाए, थोड़ा तल स्पर्शी ज्ञान करें। आठवें अध्याय में जब पंडित जी साहब के सामने एक श्रोता ने ऐसी आशंका व्यक्त की कि कर्णनियोग बड़ा जटिल है, बोरिंग ऑल्सो, ओके जटिल तो है, जटिल है, खेद होता है पढ़ने में, और क्या प्रयोजन है, ऐसी शंका आशंका एक जन ने व्यक्त की है। आठवां अध्याय पढ़ना चाहिए, कर्णनियोग की दोष कल्पना का निराकरण। पंडित जी साहब समाधान करते समय कहते हैं कि जिस वस्तु को पढ़ने से तुरंत समझ में आए उसमें उपयोग विशेष नहीं उलझता, यदि उपयोग रमाना हो उलझाना हो तो कुछ ऐसी चीज चाहिए जो कठिनता से समझ में आए। एक दो कहते, और जो चीजें अध्यात्म की भले ही हो एक बार समझ में आ जाए तो बारंबार उसका स्वाध्याय करने में वैसा उत्साह नहीं बना रहता, इसीलिए कठिनता जानकर भी इसमें अवगाहन करना चाहिए। तीसरी बात कही, तुमने जो कहा खेद होता है, सो प्रमादी पड़े रहने से कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है, अन्यत्र तुम खान पान आदि ये तो सब करते ही रहते हो और यहाँ पर खेद की बात करते हो, ये बात शोभनिक नहीं है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं, जहाँ पर आकर खड़े थे उसी बिंदु को हम कलेक्ट करके ऊपर उठते हैं। दरअसल हम ये समझते हैं पुण्य भाव के काल में पुण्य बंध ही होता है, और हम ऐसा भी समझते हैं कि पाप भाव के काल में पाप बंध ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। विचारना चाहिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका गोपालदास जी ने लिखी हुई दूसरे अध्याय का समापन के तीन चार प्रश्नों को विचारना चाहिए, मैं वहां से विशेष बात कर रहा हूं। कुछ ध्रुवबंधी प्रकृतियां होती है, क्या कहा,
अच्छे से बोलो, जल्दी बोलो। कुछ ध्रुव बंधी प्रकृतियां होती है, ध्रुव बंधी प्रकृतियां हुआ करती है, 47 होती है ये सब प्रकृतियां। ध्रुव बंधी प्रकृतियां वे है जो अनादि से बंद रही है और जब तक इनका बंध ना रुके तब तक निरंतर बंधती है। आई मीन टू से शास्त्रीय भाषा में बंध विच्युति होने तक निरंतर बंध इनका होता ही रहता है, एक समय भी ऐसा नहीं बीतता कि उसमें बंध नहीं हुआ हो। 47 प्रकृतियां कही है, उदाहरण के तौर पर घाती कर्मों की, पांच ज्ञानावरण की, नवदर्शनावरण की, पांच अंतराय की, और मोहनीय की कितनी कहेंगे? 19। कैसे 19 प्रकृतियां कैसे कहेंगे? ध्रुवबंधी जो निरंतर बंधती है। भाई तीन वेद में से तो कभी कोई बंधेगा, कभी कोई बंधेगा, ध्रुवबंधी तो तीनों नहीं हुई। हस्य शोक में से कभी कोई ध्रुवबंधी तो कोई नहीं हुई, और ना ही रति अरति ध्रुवबंधी हुई। आप समझ रहे होंगे, मिथ्या दर्शन अनंतानुबंधी आदि 16 और दोनों कषाय भय और जुगुप्सा, ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां 38 घाती कर्मों की ध्रुवबंधी प्रकृतियां है, और ऐसी और 9 प्रकृतियां अघाती कर्मों की भी कही है। कुछ प्रशस्त प्रकृतियां ध्रुवबंधी है, कुछ अप्रशस्त प्रकृतियां ध्रुवबंधी है। समझने का प्रयास करो, अच्छी बात कहने जा रहा हूं मैं, होगी कठिन, होगी पहली बार सुनी हुई होगी। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है थोड़ा सा समझिए अभी आप। दरअसल हम यह समझते हैं पुण्य भाव करने से, अथवा पहले दूसरे को उठाते हैं, पाप भाव करने से पाप प्रकृतियां ही बंधती है, हम यह समझते हैं। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता, पाप भाव करने से पाप प्रकृतियां ही बंधती है, तो हम जो कल ले रहे थे कषाय से स्थिति अनुभाग बंध, उसमें हम तीव्र कषाय में भी पुण्य प्रकृति के भी बंध की बात कर रहे थे, मंद कषाय में भी पाप प्रकृतियों के बंध की भी बात कर रहे थे, आपने गौर किया होगा। अब देखिए, तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंधी प्रकृति है, क्या कहा मैंने? वैसे इन 47 में तीर्थंकर प्रकृति का नाम नहीं है, वो इसीलिए नहीं है, ये जो 47 ध्रुवबंधी प्रकृतियां गिनाई वो अनादि से बंध रही है और तब तक बंधेगी जब तक इनके बंधने का नियम हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, नाम, गोत्र, इन पांच प्रकृतियों का बंध 10वें गुणस्थान तक कहा गया है, तो 10वें गुणस्थान तक एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं होता अनादिकाल से जिसमें बंध नहीं हुआ हो इन सभी प्रकृतियों का। आप समझ रहे हैं, सभी मतलब नाम की सभी नहीं कह रहे, ध्रुवबंधी प्रकृतियां, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय की में तो पक्की बात कर रहा हो, इन सभी प्रकृतियां ध्रुवबंधी है, तो ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन ज्ञान, परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण का बंध अनादिकाल से प्रत्येक समय में प्रत्येक जीव को 10वें गुणस्थान को पार किए बिना होता ही रहता है, कुछ भी करे, इसको कहते हैं ध्रुवबंधी प्रकृति। कितने जन फॉलो कर रहे, ध्रुवबंधी प्रकृति, ओके। तीर्थंकर प्रकृति भी एक प्रकार से ध्रुवबंधी ही है, एक प्रकार से इसलिए कह रहा हो, अनादि से तो इसका फ्लो नहीं है वैसे, इसलिए नॉर्मली उसकी गिनती नहीं हुई है। बट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था आपको, कहीं से भी तीर्थंकर प्रकृति बंधना प्रारंभ हो जाए, कहीं से भी मतलब दिव्य, हाँ, चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक, कहीं से भी बंधना प्रारंभ हो 8वें के 6वें भाग तक तो बनती ही रहती। फॉर एग्जाम्पल, शिरणिक राजा ने 4थे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, होने को तो 5वें में भी हो सकता है, होने को तो 6वें में भी हो सकता है, होने को तो 7वें में भी हो सकता है प्रारंभ, लेकिन शिरणिक राजा ने 4थे गुणस्थान में किया, बराबर। तो ये तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है तब से लेकर आज भी बंध रही है,
अभी उनकी आयु कितनी है वहाँ पर? कुल 84,000 वर्ष। वहाँ पर एक समय भी ऐसा व्यतीत नहीं होता जहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो रहा हो। 84,000 वर्ष के बाद जब बैक यहाँ पर वे आएंगे, तो आने के बाद मानव पर्य धारण करेंगे, नाम महापद्मा। यहाँ पर भी गर्भ में आएंगे, तीर्थंकर प्रकृति बंद रही है प्रत्येक समय में, गृहस्थावस्था बीतेगी जैसी बीतती है, मुनियावस्था होगी जैसी होती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध अविरत रूप से सतत रूप से चल रहा है। एक्सेप्शनल केस, कृष्ण का, कृष्ण जैसों का एक्सेप्शनल केस है, जिनको दूसरे तीसरे नरक से आना है। वे जाते समय सम्यक तो नहीं ले जा पाते थे, कैसे ले जा पाते? वे तो उनका सम्यक तो छूटता, क्योंकि दूसरी सम्यक दृष्टि पहले पृथ्वी से नीचे जाता ही नहीं, प्रथम नरक बिन छेड़ भो ज्योतिष, तो उनको सम्यक तो छूट कर ही जाना था, तो छूटा उतने अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति भी बंधना रुक गई। एक्सेप्शनल केस है, देयरफॉर ध्रुव बंदी के भेदों में, 47 भेदों में इसका भी अंतर्भाव नहीं हुआ है। आगे बढ़ना है मुझे, आगे बढ़ता हूं। श्रेणिक राजा यहां पर आए, मुनियावस्था भी हुई, और मुनियावस्था होने के बाद जब क्षपक श्रेणी आरूढ़ करेंगे, और क्षपक श्रेणी चढ़ते हुए 8वें गुणस्थान से आगे बढ़ते हुए जब 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में पहुंचेंगे, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का निरंतर बंध होता रहेगा। और फिर आगे जैसे ही 9वें गुणस्थान आया, तीर्थंकर प्रकृति का बंध गया, और अभी अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, वहां पर उनका उदय आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मुझे जो कहना है? अब मैं कह रहा हूं, मेरा यह कहना है, अभी नारकी है कोई, वो कैसे परिणाम कर रहे प्रत्येक समय में? संकलेश परिणाम कर रहे। संकलेश मतलब पुण्य परिणाम होता है कि पाप परिणाम होता है? पाप परिणाम होता है, ठीक है, आप ही कह रहे हो ये सब। और लेशाई भी उसको हीन ही होती है, तीन हीन लेशय होती है, कृष्ण नील कापोत होती है। यदि पहली पृथ्वी का हो तब तो फिर कापोत होगी, और नीचे चलेंगे तो जो भी लगा लेना। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सुनो, ए खड़े रहो, और इस तरफ तीर्थंकर प्रकृति बंद रही है, और आप ये कह रहे हो वो पाप कर रहा है निरंतर, बराबर, तो फिर तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंद रही है उसको? जब पाप कर रहा है आप कह रहे, तीर्थंकर प्रकृति तो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो वो कैसे बन रही है फिर ऐसे? इसका मतलब ये हुआ कि पाप भाव के काल में पाप प्रकृतियां ही बंधती है, ऐसा नहीं है। ये बात दूसरी है, पाप भाव के काल में जो पाप प्रकृतियां बन रही है उनका स्थिति अनुभाग ज्यादा होता है, और पाप भाव के काल में जो पुण्य प्रकृतियां बन रही है उसमें स्थिति अनुभव कम पड़ता है। अभी समझ रहे हैं आप बात को? ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पाप भाव का घटित किया, ऐसा आपका पुण्य भाव का भी घटित करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्ञानावरण ले लो, अभी पाप प्रकृति है, ध्रुवबंदी प्रकृति है, कितना भी पुण्य परिणाम करो आप, ज्ञानावरण का बंध तो निरंतर हो रहा है 10वें गुणस्थान तक, तो पाप प्रकृति कैसे बन रही है साहब? भाव तो पुण्य का कर रहे हैं, पाप प्रकृति कैसे बन रही है? इतना होता है कि पुण्य भाव करने के काल में जो पाप प्रकृतियां बन रही है उनका स्थिति अनुभाग माइल्ड हो जाता है, और पुण्य भाव करेगा तो जो पुण्य प्रकृतियां बन रही है उनका स्थिति अनुभाग होता है स्ट्रॉन्गर, पाप प्रकृतियां बन रही है उनका स्थिति अनुभाग हो जाता है माइल्डर। बंध दोनों का हो रहा है दोनों भावों के काल में। कितने जन समझ रहे बात को? कल के प्रकरण को पुष्ट करने के लिए इस बात को भी मैंने कह दिया, पुण्य भाव के काल में पुण्य प्रकृतियां ही बंधती है ऐसा नहीं है,
और घाती कर्म तो प्रत्येक समय में बंद ही रहे, खास तौर पर जो मिथ्या दृष्टि जीव उनके तो बंद ही रहे पाप प्रकृतियाँ। तो पुण्य करते समय में भी कैसे बंद रही है पाप प्रकृतियाँ? इतना फर्क पड़ता है कि उनका स्थिति अनुभव घटता है। अभी जो प्रश्न है उस प्रश्न की तरफ आते हैं, जो माता जी का प्रश्न है उसकी तरफ आते हैं। कल हमने तीर्थंकर प्रकृति में थोड़ा और घटित करके दिखाया था, आपको याद होगा स्थिति अनुभव का तालमेल थोड़ा सा। अभी और कुछ प्रकृतियों का हम विचार करते हैं, फिर मिथ्या दर्शन की भी हम बात करेंगे। ज्ञानावरण की बात करते हैं हम। ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है बोलो? बहुत समय लगा दिया, बोलो अर्चित। हाँ, अनादिकाल से बंद हो रहा है। गुणस्थानों में कहना हो तो पहले गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक। यदि मैं आपको पूछूं ज्ञानावरण कर्म प्रकृति का सबसे ज्यादा स्थिति कौन से पॉइंट पर लोकेट करेंगे आप ग्राफ में? सबसे सर्वाधिक स्थिति कहां बांधेगा ज्ञानावरण की, और सर्वाधिक अनुभाग कहां बांधेगा? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है मेरा? क्या करेंगे आप? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों की कितनी प्रकृतियां कुल मिलाकर? 19 प्रकृतियों का एक साथ प्रश्न आपको पूछ रहा हूं मैं कि इनकी सर्वाधिक स्थिति कहां और सर्वाधिक अनुभाग कहां? उत्तर अपनी बात हुई थी अभी, दसवीं वालों के तो हाथ ऊपर चाहिए। वैसे अभी बात आठवें अध्याय के दौरान हुई है हमारी तत्व और सूत्र में। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म की प्रकृति का पहले गुणस्थान में सर्वाधिक स्थिति और सर्वाधिक अनुभाग होगा, दूसरे गुणस्थान में माइल्ड, तीसरे में और माइल्ड, चौथे में और माइल्ड, पांचवें में और माइल्ड, दसवें में एकदम माइल्ड होगा, दसवें के अंतिम पॉइंट में एकदम माइल्ड होगा। सबसे जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और एकदम हीन अनुभाग उसका। आप समझ रहे हैं बात को? कर्म पुण्य परिणाम करेगा तो हाँ तो भी कंपेरेटिवली वो लेस हो जाएगी। सर्वाधिक जो उसकी हाइट है 30 कोड़ाकुड़ी सागर की, जो अभी का आपका प्रश्न था, वो पुण्य भाव वाले को नहीं होगी। अभी मैं आपके उत्तर की तरफ आता हूँ, आपके उत्तर मिल जाएंगे आपको। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय हुआ। वेदनीय में मुझे कोई घटित करके दिखाएगा? सातवेदनीय में मुझे कोई घटित करके दिखाएगा आप में से? प्रश्न क्या पूछना है मुझे पूरा प्रश्न करो। हाँ, प्रश्न पूछो अच्छे से। दिव्य बोलो, क्या प्रश्न पूछ, क्या घटित करना? प्रश्न बोलो ना। साता वेदनीय में आपको बताना है इसकी सर्व जघन्य स्थिति कहा, सर्वोत्कृष्ट स्थिति कहा, सबसे कम अनुभाग कहा, सबसे ज्यादा अनुभाग कहा, क्या बताएंगे आप? है कोई उत्तर? बोलो दर्शिल। अब उत्तर किसका दे रहे हो? स्थिति का उत्तर दे रहे हो। हाँ बोलिए अभी। साता वेदने की सबसे जघन्य स्थिति कहाँ पर? पहले गुणस्थान में। यू आर रॉन्ग माई डियर। यदि आप साता वेदने में ऐसा बोलते तो आप सही होते। साता वेदने की सबसे जघन्य स्थिति घटती जाती है 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में बराबर,
एक समय की स्थिति जिसको एरियापद आश्रव कहते हैं, और यह स्थिति पहले गुणस्थान से लेकर, ऐसा नहीं है पहले गुणस्थान वाला सातवें वेदने का बंद नहीं करता, ऐसा नहीं है, बंद तो करता है, बंद तो करता है, उत्तर 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 आगे बढ़े, सबसे जघन्य स्थिति उनके ग्यारह बारह तेरह गुणस्थान। और बोलो उत्कृष्ट स्थिति कहां पर कहेंगे? पहले गुणस्थान में। उसका क्या रीजन है? और मैं आ रहा हूं पास में, अनुभाग में कौन बताएगा? अनुभाग में, अनुभाग में कौन बताएगा? सर्वाधिक अनुभाग साता वेदने का कहां पर होगा? बोलिए, सर्वाधिक अनुभाग बंधने का ग्यारहवा बारहवा तेरहवा समान रूप से होगा। देखो अभी उल्टा पड़ रहा है, अनुभाग में हम कह रहे हैं बढ़ता जा रहा है और स्थिति घटती जा रही है। एक रूल और आपको समझना चाहिए, मोक्ष मार्ग में सभी कर्मों की स्थितियां घटती जाती है, उत्तर उत्तर स्थिति का बढ़ना अच्छा शगुन नहीं हुआ करता, लेकिन अनुभाग पुण्य प्रकृति में उत्तर उत्तर बढ़ता जाता है। समझ में आया ये रूल? क्या कहा? अगेन, उत्तर उत्तर जो जो गुणस्थान बढ़ेगा त्यो त्यो कर्म की स्थितियां, तो सबकी स्थितियां घटेगी, क्योंकि सबकी स्थिति दुख रूप है। तीन की बात मैं अलग से करूंगा, उसको मैंने रिजर्व रखा है, 145 की मैं अभी बात कर रहा हूं। जो जो गुणस्थान बढ़ेगा, गुण कर्म प्रकृति कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, 145 में से स्थिति तो जितनी पहले में बांधी है दूसरे में उतनी स्थिति नहीं बनती, तीसरे में जितनी बंदी दूसरे में जितनी बंदी है तीसरे में उतनी नहीं बन सकती, स्थिति तो घटती जाएगी। लेकिन अनुभाग की मैं बात करूं तो अनुभाग मोक्ष मार्ग में पाप प्रकृतियों का तो घटता ही जाएगा, लेकिन पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता जाता है। तीर्थंकर का कल उदाहरण हमने देखा था, तीर्थंकर प्रकृति का स्थिति घटती जा रही है लेकिन अनुभाग बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमने देखा था। फर्क केवल तीन आयु में पड़ेगा, हम वेदनियों को पूरा किया, अभी आयु में कौन घटित करके दिखाएगा? आयु में सर्वाधिक स्थिति कहां पर? इसमें थोड़ी सी बात समझने की है, थोड़ी सी बात समझने की है। वैसे सर्वाधिक स्थिति 33 सागर है, वो तो नारकियों को भी हो सकते हैं और उसमें तो मिथ्या दृष्टि भी जा ही सकता है। इसमें तो देव की अपेक्षा, अनुभाग स्ट्रॉन्गर की अपेक्षा शुभ आयु की बात कर रहे हैं हम, तो वो होगी चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती वाले को 33 सागर की आयु नहीं बनती देव आयु की, छठवें गुणस्थान वर्ती को भी देवायु तो बंधेगी, पांचवें छठवें को देवायु तो बंधेगी लेकिन इतनी नहीं बंधेगी। सातवें गुणस्थान का जो अंतिम पॉइंट है, क्योंकि सातवें गुणस्थान के अंतिम पॉइंट में ही बंध विच्युति होती है, बंध विच्युति मतलब सातवें गुणस्थान का अंतिम पॉइंट मतलब फर्स्ट हाफ का अंतिम पॉइंट। सातवें गुणस्थान के दो भेद करने हैं, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। तो सातिशय अप्रमत्त में देवायु का बंध नहीं होता, सॉरी आयु का ही बंध नहीं होता, कहना मुझे ये था। देवायु का तो पांचवें चौदह पांचवें से आगे देवायु के अलावा तो और किसी आयु का तो बंध वैसे भी नहीं होता। तो सातवें में पूर्वार्ध में ही आयु बंध हो सकता है, और वहां पर भी अंतिम पॉइंट में सर्वाधिक स्थिति होगी और सर्वाधिक अनुभाग भी होगा। समझ रहे हैं आप? वैसे अन्य कर्म की स्थितियां तो घटेगी उत्तर उत्तर, लेकिन आयु कर्म में ऐसा नहीं होगा, उत्तर उत्तर बढ़ेगी, क्योंकि तीन की आयु प्रशस्त कही गई है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आगे का प्रश्न आपके उत्तर पर, आपके प्रश्न पर आते हैं, मिथ्या दर्शन में कौन घटित करके दिखाएगा? मिथ्या दर्शन में कौन घटित करके दिखाएगा? एनीवन, मिथ्या दर्शन में कौन घटित करके दिखाएगा? चारित्र मोह में कौन घटित करके दिखाएगा? चारित्र मोह में कौन घटित करके दिखाएगा? नहीं बोलो, पहले गुणस्थान में सबसे ज्यादा स्थिति, गुड, और दसवें गुणस्थान के अंतिम भाग में सबसे कम, रॉन्ग, क्योंकि दसवें में बंद होता ही नहीं,
नवे तक बंद होता है, मोहनिय का बंद नवे तक होता है। तो नवे तक होते तो आपको ये कहना चाहिए था कि नवे गुण स्थान का जो अंतिम पॉइंट है बंद का, वहाँ पर सबसे जघन्य स्थिति होगी। यू आर टॉकिंग अबाउट स्थिति, ओके। अनुभाग में क्या होगा? अनुभाग में सबसे ज्यादा अनुभाग होगा नवे गुण स्थान का। रॉन्ग। अनुभाग में भी सर्वाधिक अनुभाग पहले गुण स्थान में होगा और सबसे कम अनुभाग नवे में होगा। पहले गुण स्थान में भी समझ लेना, पहले गुणस्थान में भी समझ लेना वेरिएशन। पहले गुणस्थान में भी हजारों लोग हैं, उसमें भी गाढ़ा मिथ्यात्व जिनका होगा उसमें तीव्र स्थिति होगी, तीव्र अनुभाग होगा। मंद मिथ्यात्व होगा, स्थिति और अनुभाग उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। आई मीन टू से, माना कि पहले गुणस्थान में ही 40 कोड़ा कोड़ी का स्थिति का बंद होगा, राइट? क्योंकि मैं चारित्र मोह की बात कर रहा हूं अभी, तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद पहले ही गुण स्थान में होगा, दूसरे आदि में तो संभव ही नहीं, राइट? पहले में भी वही करेगा जो तीव्र कषाई हो, पहले गुण स्थान में भी। और तीव्र कषाय तब होती है जब मिथ्यात्व भी गाढ़ा जाए, ऐसा सहज अविनाभावी संबंध होता है। और गाढ़ा मिथ्यात्व तो मतलब लगभग कह सकते ग्रहित मिथ्यात्व, जैसे श्रेणिक भूतल के जितने भी, इन सबको भगा दो यहां से, मार डालो सबको, ऐसा जो भाव देवशास्त्र गुरु के प्रति अवर्णवाद, साथ में अनुरूप चलती हुई कषाय स्ट्रॉन्गर। तो यहां 70 कोड़ा कोड़ी होगा दर्शन मोह का, तो यहां पर साथ में 40 कोड़ा कोड़ी सागर चलेगा। चौथे गुणस्थान के आगे तो कोड़ा कोड़ी ओड़ा ओड़ी तो कुछ भी नहीं चलेगा, ये तो अंत कोड़ा कोड़ी में ही चलता है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? अंत कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? एक जन बोलो अंत कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहना, जल्दी? अंत कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहना? एक कोड़ा को अंत कोड़ा कोड़ी सागर किनको कहना? कोई नहीं तो फिर मैं तो बोलूंगा ही नहीं, फिर एक ही उत्तर एक से चाहिए मुझे, बात तकलीफ ये है, बोलो। हो गए उत्तर? ये तो शायद 10-5 जन बोल देते, राइट? एक करोड़ सागर से ज्यादा और एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम के फासले को कहते अंत कोड़ा कोड़ी सागर। मैं आगे बढ़ता हूं, उसी प्रकार दर्शन मोह में समझ लेना चाहिए आपको। दर्शन मोह में जिसका सर्वाधिक स्थिति और सर्वाधिक स्थिति, सबसे कम स्थिति, सबसे ज्यादा अनुभाग, सबसे कम अनुभाग कौन बांधेगा? प्रश्न उत्तर दीजिए जल्दी। हमने ज्ञानावरण देखा, दर्शनावरण देखा, अंतराय देखा, वेद ने भी देखा, अब नाम गोत्र तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अभी हमने जाते जाते चारित्र मोह भी देख लिया। हम क्या देख रहे? दरअसल हम ये देख रहे हैं जब बंद होगा इन प्रकृतियों का तो सबसे जघन्य स्थिति और स्थिति अनुभाग कहाँ होगा और सबसे उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग कहाँ होगा। मिथ्यात्व की बात करनी है मुझे, बोलिए। हाँ, और कोई उत्तर? आपका उत्तर गलत है जी, क्योंकि तीसरे में मिथ्या दर्शन का बंद ही नहीं होता। मिथ्या दर्शन का बंद, दर्शन मोह का बंद केवल और केवल पहले ही गुणस्थान में बनता है, तो यहाँ पर उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति अनुभव कैसे करेंगे फिर? कोई बताए मुझे। पहले गुणस्थान में भी वेरिएशन करके जैसा मैंने कहा है, सबसे जघन्य स्थिति कौन बांधेगा, राइट? सबसे जघन्य स्थिति और अनुभाग बांधने वाला मिथ्यात्व की वह जीव है जो सम्यक तो सन्मुख है, पांच लब्धि से गुजर रहा है और पांच लब्धि में भी आते आते करण लब्धि में आया, और करण लब्धि में भी अध अपूर्व करण के बाद अंतरकरण के पूर्व जो अनिवृत्ति करण है, मिथ्या दर्शन का बंध तो वहां पर भी होगा, लेकिन वह एकदम माइल्ड, जितना माइल्ड हो सकता है अनुभाग भी और स्थिति भी वहीं पर होगी। आगे बढ़ता हूं मैं अभी, ये काफी सारी बात हुई, शायद समाधान हो चुका है।
तो अनुरूप समझ लेना चाहिए, जिसका दर्शन मोह का सर्वाधिक बंद करेगा। ऐसा संक्लेश परिणाम में खड़ा पहला गुणस्थानवर्ती मान सकते हैं ग्रहित मिथ्यात्वी, और उसमें भी मानना चाहिए, बोलिए राजा हो कोई, वज्रषभ नारस संगनन वाला कोई, ये सब क्वालिटीज उसमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि राजा होगा उसी को एकदम परिणाम, एकदम उच्चतम परिणाम या नीचतम परिणाम, उसके जिसको कोई हैसियत हो उसी को आ सकता है। संगनन भी वैसा हो, निमित्त निमित्तिक संबंध घना होता है, तो राजा है शरणिक, तो उसको परिणाम ये है कि मेरा ये चलता है सब जगह, तो इन सबको हटा दो और पूरी प्रजा है उन सबको मैं इनके विरोधी कर दो। अरे सामान्य आदमी को इतना नहीं हो सकता भाव, ऐसा ये सब अनुरूप समझ लेना। और उसी समय में चरित्र मोह की भी सर्वाधिक स्थिति, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय मोहिनी आदि आदि, ये सब प्रकृतियों की सर्वाधिक स्थिति वहीं पर होगी। और दुर्भाग्य से अथवा योग से फिर नरक की भी सर्वाधिक स्थिति वह होगी 33 सागर की, इसलिए उन्होंने वह के आयु बांध ली थी। आगे बढ़ते हैं, कल हमने इस बात की सिद्धि की थी जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कषाय ना करें। काफ़ी सारे हेतुओं से बात को बताया था, पंडित जी साहब एक उदाहरण दे रहे, उस उदाहरण को यहाँ से बोल के रीडिंग करते हैं। पंडित जी साहब एक उदाहरण देते हैं, शराब है, किसने कितनी बोतल पी उससे उसकी नशा तय नहीं होगी। बोतल चार पी जाए और अमुक मटेरियल से बनी शराब पी जाए तो ऐसा कुछ नहीं जैसे शिकंजी पी हो ऐसा ऐसे पीकर यह हवा घूमने लग जाए, ऐसा पता भी नहीं चले। और चार बोतल दूर, आधी बोतल दूर, आधी बोतल भी एक पैक कहना ठीक नहीं है, एक दो घुट भी पी जाए और तब भी वो असरदार हो सकती है। कब? जब उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अल्कोहल की मात्रा मतलब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल उसमें डाला गया हो, जितना ज़्यादा फर्मेंटेशन उतनी फर्मेंटेशन मतलब लोकल भाषा में सड़ना, जितनी ज़्यादा सड़ेगी उतनी ज़्यादा महंगी बिकती है शराबें और उतनी कम पीने पर ज़्यादा चढ़ती है, ऐसा कहते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी सहजता में चित्र वगैरह में देखा होगा विदेशों में, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट थिंग, वो वाइन तो छोड़िए, अरे अभी नाम याद आ रहा था, वे कुछ बहुत ठंड होती है वहाँ पर इसलिए बोन फायर, व्हाट डू दे कॉल, राइट ना, हाँ, तो वहाँ पर वे आग करते हैं, उसी आग के पास वे शराब की बोतलें रखते हैं। मैंने कभी उदाहरण देते हुए किसी को कहा होगा वो इसलिए केवल रखते हैं गर्मी के पास रखने से, और वो ज़्यादा फर्मेंटेशन का रिएक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा सड़ती है, ज़्यादा नशा चढ़ती है। दुकानों में भी जितनी पुरानी हो उतना ज़्यादा पैसा आता होना चाहिए, ऐसा अनुमान है। पंडित जी साहब यहाँ पर कह रहे हैं ज़्यादा शराब पीने से, टेक्निकल भाषा बोलो जल्दी, ज़्यादा शराब पीने से फर्क नहीं पड़ता, बोलो बोलो, फर्क नहीं पड़ता मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ नशा नशा में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बोलो प्रदेश बंद से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। आगे ये कहते हैं कौन से मटेरियल से बनी है, अंगूर से भी बन सकती है और पर्टिकुलर के रूट से भी बनती है, तरह तरह की शराबें होती है, तो कहते उससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, टेक्निकली बोलो प्रकृति बंद, फर्क इससे पड़ता है कितने टाइम की बनी है, कितनी टाइम की बनी है और उसमें कितनी पोटेंसी डाली गई, कितने कॉन्सेंट्रेशन से, मतलब इट इज द स्थिति एंड अनुभाग दैट मैटर्स। समझ में आता है? मिर्च में भी अनुभाग डिफर करता है। क्या कहा मैंने? कई दफे कहा है मिर्च पूरी कच्ची खा जाएगा, इतनी खा जाएगा शिमला मिर्च है, शिमला भी नहीं,
मैंने आपको कहा भी होगा कभी, why is it called शिमला मिर्च? क्योंकि that is not तीखी, that is not hot, और वो ठंडी होने से और ठंडा शिमला होने से उसको शिमला मिर्च कहते हैं, ये सहज का। और शिमला तब अपने पूरे होल्ड में था। आप जानते होंगे अंग्रेज जब भी राज करते थे इंडिया पर, उनकी दो कैपिटल्स रही है, एक दिल्ली, 6 महीना दिल्ली से राज्य करते थे और 6 महीना वहाँ से राज्य करते थे हिमाचल प्रदेश जाकर। खैर आइए, मिर्च मिर्च में भी तिखास का हीनादिकता होती है, नींबू नींबू में भी खटास की हीनादिकता होती है, शक्कर शक्कर में भी होती है, गुड़ गुड़ में भी होती है, वो अनुभाग डिफर्स। पंडित जी साहब यहाँ पर कहते हैं स्थिति और अनुभाग हो तो वह शराब ज़्यादा पने को प्राप्त होगी, प्रदेश और प्रकृति कुछ कैसी होने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए, स्थिति और अनुभाग से जीव को विशेष परेशानी होती है और स्थिति और अनुभाग में के बंध में कारण कषाय है, इसलिए जिन जीवों को बंध नहीं करना हो वे कषाय ना करें। जाते जाते चरणानियों की एक बात, इसलिए आप लोग जानते होंगे अचार मुरब्बा, अपने यहाँ अचार मुरब्बा जानते हैं आप लोग, 24 घंटे के ऊपर शराब माना गया है, शराब, इन्हीं को शराब कहते हैं और किसी भी चीज को नहीं। मांस संबंधी अतिचारों में, मांस त्याग संबंधी अतिचारों में अमर्यादित आटा मसाला लिया जाता है, लेकिन शराब त्याग संबंधी अतिचारों में सागर धर्मामृत में अमर्यादित अचार मुरब्बा लिया गया है। 24 घंटे के ऊपर का अचार मुरब्बा आदि कुछ भी सेवन करना या हमारे यहाँ शराब सेवन बराबर है, सम्यक तो से अभी कोसों दूर है। आइए पेज यहाँ पर 28 है, 28 पेज है, आने के बाद बता देना, तो पढ़ना है हमको है। देखिए यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है तो वह मदिरा हीनपने को प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, चढ़े और उतर जाए, चढ़े और उतर जाए तो स्थिति उसकी हीन है, और साधारण चढ़े, ऐसे नहीं कि दो चार जन पकड़ने पड़े छोड़ दो मुझे बोलता है, और कुछ कुछ ऐसी होती है बहुत टाइम तक 24 घंटा उतरेगी ही नहीं और कहो तो बहुत चढ़ेगी कुछ भी नहीं पता चलेगा उसको, ऐसा तो ऐसे दो उदाहरण लिए हैं, करने की शक्ति है तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, जैसे 11वां 12वां 13वां गुण स्थान, तो वे कर्म प्रकृतियां हीनपने को प्राप्त है, तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, जैसे जैसे बोलिए जल्दी, जैसे बोलो, जैसे कोई एक इंद्रिय जीव, कर्म प्रकृति बहुत कम आती है उसके पास आदि आदि, कर्म प्रकृतियों के परमाणु है और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त है। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थितिबंध अनुभागबंध ही बलवान है, इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना। ये प्रकरण पूरा हुआ, अभी मैं समझता हूँ अगले पीरियड में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा फिर, ओके ओम, क्योंकि थोड़े में चालू करेंगे तो फिर वो बीच में रुक जाएगा, प्रकरण ज़्यादा है 20-25। बोलिए, अनुभाग ठीक है, हाँ अभी ऐसा कुछ प्रश्न छोटे मोटे तो इससे काम निकलेगा अपना, आयु कर्म का अनुभाग में क्या लगेगा, फॉर एग्जाम्पल दो सागर की आयु उस इंद्र की भी है और वहां पर रहने वाले अन्य देवों